क्लास नाइन्थ रैपिड रिवीजन। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज हमारे पास में ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है जो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। चैप्टर बड़ा छोटा सा है और बहुत इंपॉर्टेंट सा है। यहाँ पे आपको इंडिया की लोकेशन के बारे में जानने को मिलेगा, साइज के बारे में जानने को मिलेगा, और दो और टॉपिक्स हैं जिसमें हम इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड में देखेंगे, इंडिया इन दी वर्ल्ड। और साथ ही साथ आपको ये देखने को मिलता है कि इंडिया की जो नेबर्स है वो कौन है, कैसे है, कहाँ है। तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन कंसेप्ट वाइज अगर आप देखोगे तो इसमें आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्टैंडर्ड मेरिडियन, डे और नाइट, टाइम लैग, ये सारी चीजें जानने को मिलती है जो इस चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग और फाउंडेशनल चैप्टर बनाती है, जहां से आप ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर सकते हो। शुरू करते हैं कहानी इंडिया की लोकेशन के साथ में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये जो पूरा अर्थ है, इस अर्थ को हमने इमेजिनरी लाइंस में बांट के रखा है, और इन्हीं इमेजिनरी लाइंस को हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ये जो इमेजिनरी लाइंस है, इन इमेजिनरी लाइंस के थ्रू हम किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हैं अर्थ पे। सिमिलरली इंडिया को लोकेट करने की अगर बारी आएगी तो हम इन इमेजिनरी लाइंस का सहारा लेंगे। लेटी हुई जो लाइंस रहती हैं लैटिट्यूड, लॉन्ग लाइंस जो रहती हैं वो लॉन्गिट्यूड। अब अगर आप एक्सटेंट देखना शुरू करोगे तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होगा, क्योंकि पूरा अर्थ है, इस पूरे अर्थ को बीच में से डिवाइड करोगे तो जो 0 डिग्री होता है वो होता है इक्वेटर, इक्वेटर वाला लैटिट्यूड। अब इक्वेटर वाले लैटिट्यूड से ऊपर की तरफ चलेंगे तो हम नदन हेमिस्फीयर में आते हैं। नदन हेमिस्फीयर में 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लगा के 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक इंडिया का एक्सटेंट है। तो ये इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। अब बारी आती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो 37 डिग्री ईस्ट। ईस्ट इसलिए क्योंकि हम इंटरनेशनल, जैसे अगर आप देखेंगे टाइमलाइन जो है, ग्रीनविच मीन टाइम जो है, वहां से ईस्ट की तरफ लाए करते हैं। तो पूरे ग्लोब को अगर आप देखोगे और अगर आप बीच ग्लोब में एक सेंट्रल लॉन्गिट्यूड बनाएंगे जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, तो उससे हम ईस्ट में हैं। 68 डिग्री ईस्ट से लगा के 97.25 डिग्री ईस्ट तक हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो अगर आप इस तरह से ड्रॉ करोगे तो दो लैटिट्यूड दो लॉन्गिट्यूड के बीच में इंडिया जो है प्लेस्ड है। ये इंडिया का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया, हमारा इंडिया, प्यारा इंडिया। इस इंडिया को बीच में से दो इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड करता हुआ एक और लैटिट्यूड जाता है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में है। यह हो गया लोकेशन। साइज की अगर बात की जाए तो इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह इंडिया का स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्या बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड का 2.4% हम कंस्टिट्यूट करते हैं। साथ ही साथ वी आर दी 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। हमसे 6 और कंट्री हैं, बड़ी हैं। इन्हें याद रखने की ट्रिक पता है आपको, रुकुक बाई। रुकुक में आर होता है रशिया, सी होता है कनाडा, यू होता है यूएसए, फिर से जो सी आता है वो होता है चाइना, और बी ए आई में बी फॉर ब्राजील, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो ये इतने देश है जो हमसे बड़े हैं, और आई फॉर इंडिया। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। इसके अलावा आप देखेंगे तो इंडिया में नॉर्थ में आपको यंग फोल्ड माउंटेन्स मिल जाएंगे, वेस्ट की तरफ आप जाएंगे तो आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लगी हुई वो जमीन देखने को मिल जाएगी। इंडिया इस तरह से एक सेफ और सेंट्रली लोकेटेड कंट्री है पूरे के पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में। इसके ऊपर और भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर देखा जाए तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है हमारी 68 डिग्री से लगा के 97 डिग्री तक, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अप्रोक्स 30 डिग्री की है। और जब अर्थ रोटेट करता है तो एक लॉन्गिट्यूड पे जो सोलर इंसुलेशन है वो सेम सोलर इंसुलेशन दूसरे लॉन्गिट्यूड पे नहीं होगी। तो इंडिया का तो 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो इस 30 डिग्री के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के कारण यहां से यहां तक इतने टाइम फ्रेम में 2 घंटे का टाइम लैग होता है। जी हां, 30 डिग्रीज में 2 घंटे का टाइम लैग, मतलब कि जो सोलर इंसुलेशन यहां पहुंच रही है उसे यहां पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि अर्थ गोल घूम रहा होता है। तो इसी चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने एक सेंट्रल लॉन्गिट्यूड को हमारा टाइम जोन बनाया है, और वो जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है वो है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, IST कहते हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से निकलती है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास से एक इमेजिनरी लाइन है। अगेन इसको ढूंढने मत चले जाना, हम फर्स्ट है, स्टार्ट, हम फर्स्ट, गाड़ी चला, गाड़ी चला। तो इस तरह से आप जैसे देखेंगे हमने टाइम लैग को क्या किया है, रिड्यूस किया है। अब हम बात करते हैं इंडिया की वर्ल्ड में पोजीशन को लेकर। इंडिया की वर्ल्ड में एक प्रोमिनेंट पोजीशन है,
उसके पहले अगर हम शुरू करें तो अगर एशिया में ही आप देखोगे इंडिया सेंट्रली लोकेटेड है, वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से वेरी वेल कनेक्टेड, साथ ही साथ जो इंडियन पेनिनसुला है वो प्रोट्रूड करता है इंडियन ओशन के अंदर, जिसके चलते इंडियन ओशन में लार्जेस्ट कोस्ट लाइन जो है इंडिया की है, और ये लार्जेस्ट कोस्ट लाइन हमें वेस्ट और ईस्ट से कनेक्ट करने में, वेस्ट में आप यूरोप और अफ्रीका की बात कर लीजिए, ईस्ट में आप बात कर लीजिए पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने में हमें बहुत मदद देती है, एंड दिस इज व्हाई द नेमिंग ऑफ इंडियन ओशियन आफ्टर इंडिया इज जस्टिफाइड। अगर वहीं से आगे बढ़े तो इंडिया का ये जो कॉन्टैक्ट है वर्ल्ड के साथ में, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है, और इस बहुत पुराने कॉन्टैक्ट में भी हमारे जो लैंड कनेक्शंस रहे हैं, कनेक्शंस वाया लैंड रूट आर मच ओल्डर देन द मैरिटाइम कॉन्टैक्ट्स। समुद्र के रास्ते तो हमने बाद में कॉन्टैक्ट्स बनाए, जमीन के रास्ते थ्रू वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इंडियन बिजनेसमैन, इंडियन ट्रेडर्स, इंडियन पिलग्रिम्स हमेशा आते जाते रहे हैं, और इसी के चलते आपको देखने को मिला है कि इन लैंड रूट्स के थ्रू हमने आइडियाज और कमोडिटीज को लार्ज लेवल पे एक्सचेंज किया है। अब इन आइडियाज में आप देखेंगे तो रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की कहानियां हो गई, इंडियन डेसिमल सिस्टम हो गया, कमोडिटीज में इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन स्पाइसेस हमेशा से ही देश से आते जाते रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने दुनिया को सामान दिया ही है, बहुत सारे आइडियाज और कमोडिटीज हमने इन्हीं रूट्स के थ्रू रिसीव भी किए, जैसे ग्रीक स्कल्पचर का स्टाइल हो गया, डोम्स और मिनरेट्स का जो कंस्ट्रक्शन का तरीका हो गया, ये सब भी इन्हीं रूट्स के थ्रू हमारे देश में आया है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। ये तो हो गया इंडिया का वर्ल्ड के साथ रिलेशन वाली बात। अब अगर बात की जाए कि इंडिया की अपने नेबर्स के साथ में क्या रिलेशन है और किस तरह से हमारे नेबर्स है, कौन कौन है, कहां हम सिचुएटेड है, तो एशिया में साउथवर्ड सिचुएटेड इंडिया जो है तो उसके लैंड नेबर्स भी और सी नेबर्स भी है। लैंड नेबर्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारी बॉर्डर शेयर होती है, और एक और देश म्यांमार, तो इन्हीं सभी देशों के साथ हमारी बॉर्डर शेयर होती है लैंड बॉर्डर। सी नेबर्स की अगर बात की जाए तो दो सी नेबर्स हैं, एक श्रीलंका और एक मालदीव्स। जी हाँ, मालदीव्स। नो गॉड प्लीज नो नो। ओह माय गॉड, वाओ। अब अगर आप देखेंगे तो इतने देशों से हम घिरे हुए हैं और इतने हमारे पड़ोसी देश हैं। अधिकतर आपको ये कुछ एक ज्योग्राफिकल प्रिंसिपल देखने को मिलता है जो आपकी बुक में भी बताया गया है कि जब दो लैंडमास को एक वाटर बॉडी सेपरेट करती है तो उसे स्ट्रेट कहा जाता है, जैसे पाल्क स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है। सिमिलरली आप देखेंगे गल्फ ऑफ मन्नार भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में आता है। दिस वॉज द होल चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसमें आपको इंडिया, इंडिया एंड इट्स रिलेशन विद वर्ल्ड और उसके नेबर्स के साथ में जानने को मिलता है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी इस चैप्टर का एसेंशियल पार्ट थे। आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको बेहतरीन तरह से समझ में आई। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।